तो यूपीटर 2022 का आंसर की आ गया है, जाकर आप ऑफिशियल आंसर की अपना चेक कीजिए और पता कीजिए कितने उसमें आपको मिले हैं। अगर 2, 3, 4 नंबर आपके कम होते हैं तो आपको कॉमन नंबर अवश्य मिलेंगे। कुछ इस प्रकार के विवादित प्रश्न आ चुके हैं जो 2017 में सेम प्रश्न वही विवादित थे, और वही सेम प्रश्न के आंसर की आपको सेम इस 2022 में जो यूपीटेट हुआ है उसमें दिया गया है। तो आपको अगर 3 से 4 नंबर आपके कम हो रहे हैं तो आपको 3-4 नंबर कॉमन मिलने वाले हैं, आपको केवल आपत्ति ही दर्ज करनी है। तो पहला विवादित प्रश्न है ये ईवीएस का है, जिसमें दिया गया घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होंगे, जिसमें जीवाणु सही होगा और मांसाहारी दोनों सही होंगे। जो जीवाणु पर लगाए होंगे या मांसाहारी पर लगाएंगे दोनों का सही होगा, इसमें आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा, कॉमन नंबर आपको इस पर मिलने वाला है अगर आप इस पर आपत्ति दर्ज करेंगे। अगला प्रश्न विवादित जो दिया गया यूपीटेट में ये है CDP से, मनोविज्ञान से। इसमें दिया है निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो इसमें 2017 में ही इसको विवादित प्रश्न में घोषित किया गया था, दोनों का आंसर सही माना गया था कैनन और क्रेस्मर द्वारा। जिन बच्चों ने इस पर कैनन और क्रेस्मर पर लगाया है उनको एक नंबर कॉमन मिलेंगे, आप जाकर NCERT की बुक में चेक कर सकते हैं इसको। अगला विवादित प्रश्न है यह भी CDP से है, मनोविज्ञान से। तो इसमें पहला ही इस पे दिया है परिपक्वता, जो PNP ने 2022 में आंसर की जारी की है इसमें परिपक्वता दिया है, और इसका सही आंसर 2 आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर रुचि भी होगा और प्रेरणा भी होगा। जिन बच्चों ने रुचि पे लगाया होगा और प्रेरणा पे लगाया होगा उन दोनों का सही होगा, इस पर भी एक कॉमन नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न इसमें दिया था हमारे में, तो सहसवा काल का समय पूछा था। तो इसमें PNP द्वारा जो दिया गया है सहसवा काल का अवस्था जन्म से 2 से 6 वर्ष तक, जो PNP के अनुसार ये गलत है। और जो सही आंसर होगा इसका जन्म से 2 वर्ष, जो सही आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष, आप NCERT की बुक में जाकर चेक कर सकते हैं इसको। अगला विवादित प्रश्न है ये भी है EBS से, जो इसमें PNP द्वारा दिया गया है, PNP द्वारा दिया गया है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो पहला आंसर इसका जो दिया गया था इसमें ये दिया गया सौर स्थिरांक, जो PNP के द्वारा दिया गया है, जो भी ये गलत है। NCERT की बुक में आपको सूर्य ताप दिया है, यही राइट आंसर है। अगर इस पर कोई लगाया होगा, सूर्य ताप पर लगाया होगा, अगर उसने आपत्ति दर्ज की तो एक नंबर उसको अवश्य मिलेंगे। अगला विवादित प्रश्न है ये 2017 का ही विवादित प्रश्न था, आंख की किरकिरी होने का अर्थ पूछा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपको बताया गया था कि इसका आंसर दोनों होगा, कष्टदायक होना, अप्रिय लगना, ये दोनों सही उत्तर होंगे अगर दोनों पे टिक लगाए होंगे। किसी एक पर कष्टदायक पे या अप्रिय लगना होने पर लगाए होंगे टिक, तो आपका एक नंबर कॉमन यहाँ पर भी मिल जाएगा। बस यही थे 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको विवादित में है, जो आपको 3 से 4 नंबर आपको कॉमन मिलने वाले हैं, आपको आपत्ति दर्ज करना है।